हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप सभी का हेल्प सीरीज पे स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट के वैसे स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने अपना एडमिशन प्रथम चयन सूची आने के उपरांत भी, जो कि नामांकन तिथि पूर्व में 7/8/2020 से लेके 12/8/2020 यानी आज तक था, और इस बीच यदि आपने किसी कारणवश अपना एडमिशन नहीं करवा पाए हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। आप लोगों के लिए नामांकन तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब ये बढ़ा हुआ तिथि 13/8/2020 से लेके 17/8/2020 तक है। यानी आप अभी तक किसी कारणवश प्रथम चयन सूची आने के उपरांत भी अपने संबंधित स्कूल कॉलेज में अपना एडमिशन नहीं ले सके हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। अब आप लोग 13/8/2020 से लेके 17/8/2020 तक अपना एडमिशन अपने संबंधित स्कूल कॉलेज में जाके ले सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस समय अवधि के अंतराल में अपना एडमिशन नहीं ले पाए हैं, उन सभी के लिए ये डेट एक बार बढ़ा दिया गया है। आप लोग निश्चित रूप से अब 13/8/2020 से लेके 17/8/2020 तक निश्चित रूप से अपना एडमिशन अपने संबंधित स्कूल कॉलेज में जाके निश्चित रूप से ले ले। और वैसे स्टूडेंट जो इस बीच भी अपना एडमिशन नहीं ले सकते हैं, साथियों आपका नामांकन OFSS पोर्टल से रद्द कर दिया जाएगा और आप दोबारा ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी इस सेशन में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अतएव यदि आपका प्रथम चयन सूची में नाम आ चुका है, तो आप लोग 17/8/2020 से पहले अपने संबंधित स्कूल कॉलेज में अपना एडमिशन ले लीजिए। यदि आपको लगता है कि जो आपका स्कूल कॉलेज अलॉटमेंट किया गया है वो आपको पसंद नहीं है, उसे आप बदलना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको एडमिशन लेना होगा और आपको स्लाइड अप प्रक्रिया के द्वारा आप अपना एडमिशन दूसरे स्कूल कॉलेज में चेंज करवा सकते हैं। परंतु इससे पहले आपको जो भी स्कूल कॉलेज अलॉटमेंट किया गया है उस स्कूल कॉलेज में 17/8/2020 से पहले निश्चित रूप से एडमिशन लेना अनिवार्य है। और वैसे स्टूडेंट जो अभी तक इंटरमीडिएट कक्षा में एडमिशन के लिए OFSS पोर्टल के माध्यम से आवेदन नहीं किए हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए, तभी आप लोग का एडमिशन इंटरमीडिएट स्कूल कॉलेज में हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। यदि आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने से छूट जाते हैं अभी, तो फ्रेंड्स आप लोगों को एक बार और मौका मिलेगा स्पॉट नामांकन के तहत, उस समय आप चाहे तो ऑनलाइन करके अपना एडमिशन इंटरमीडिएट स्कूल कॉलेज में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से संबंधित कोई और सवाल या फिर शिकायत हो नीचे कमेंट कीजिएगा, वरना हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।